रेनुगुट। पिपरी में 100 ग्राम हेरोइन के साथ 3 लोग हुए गिरफ्तार। रेनुगुट थाना पिपरी क्षेत्र के अंतर्गत का मामला अवैध हेरोइन की बिक्री को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए हेरोइन तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। हेरोइन के साथ पकड़े गए अभियुक्त का नाम पंकज कुमार पुत्र दासुराम निवास यस 401 हिंडालको कॉलोनी रेणुकोट थाना पिपरी सोनभद्र। शुभम कुमार बिंद पुत्र पवन कुमार बिंद निवासी स्टाफ क्वार्टर धोबिया टंकी वार्ड नंबर 2 रेणुकोट थाना पिपरी सोनभद्र। मजहर खान पुत्र कलाम खान निवासी वार्ड नंबर 2 दर्जी मार्केट। इन लोगों के पास से 100 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। थाना स्थानीय मुकदमा संख्या क्रमशः 119 117 120 17 धारा 8/21 NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। टॉप न्यूज के लिए सोनभद्र से विक्की यादव की रिपोर्ट। कस्बे में और ऊपरी इलाके में ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ मादक पदार्थ की अवैध बिक्री हो रही है और इसमें जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और उन्होंने टीम बना करके हम लोगों को काफ़ी प्रेरित किया और हमने अपनी मिली और लोगों को गठित किया और फिर ये सूचना मिली कि पंकज कुमार पुत्र दासुराम निवासी भंडार को शुभम कुमार बिंद और मजहर पुत्र कलाम ये तीनों लोग हीरोइन लेकर के बेचने की फिराक में हैं और इस सूचना पर हम लोग जो है जरूर लिया गया और कामयाबी प्राप्त हुई और अभी भी और लोग और कामयाबी प्राप्त करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी संलिप्तता संबंध में आ रही है और उनके ऊपर ध्यान डाल रही है। सर कितने मात्रा में हीरोइन बरामद हुई? जी एक मात्रा करीब 100 ग्राम हीरोइन है। इसकी कीमत कितनी बताई जा रही है? अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फिलहाल जो कीमत है ये यहाँ मार्केट में तो 2.5 लाख कीमत है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी कीमत है।